हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी तक प्रोबेबिलिटीज में हमने काफी सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, अलग अलग तरह की हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। आपने तीन तरह के अप्रोच पढ़ी थी, स्टैटिस्टिकल, क्लासिकल और एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच हमने भी किया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक एक तरह की प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ क्या होता है। ये अलग अलग इवेंट्स होती थी और इसमें हम आंसर निकालते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे कि हमें अब ये चेक करना है कि अगर प्रोबेबिलिटी ई हो गया है या एफ हो गया है, तो ई के होने के बाद एफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हमें ये चेक करना है। कि या फिर अगर एफ पहले हो जाती है तो ई पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें इसको ये चेक करना होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि हम तीन कॉइंस टॉस कर रहे हैं, तो तीन कॉइंस टॉस करने का सैंपल स्पेस क्या आएगा, ट्रिपल एच, ट्रिपल टी, डबल एच टी, डबल टी एच, एच टी एच, टी एच टी, टी एच एच, एच टी टी। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया, इसमें आठ सैंपल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सैंपल स्पेस आ गया। अब इसमें देखो, हम कोई इवेंट ई मानते हैं जिसमें हमने बोला कि एटलीस्ट टू हेड अपीयर्स, एटलीस्ट टू हेड अपीयर्स, कि कम से कम दो हेड्स आने चाहिए। अब कम से कम दो हेड्स कैसे आएंगे, अब हमने ये मैंने आपको कल बताया था कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। कम से कम दो हेड तो आनी चाहिए, एक से ही काम नहीं चलेगा, कम से कम दो आने चाहिए। तो देखो यहाँ पर दो वाला ये रहा, तीन वाला भी चल सकता है इसमें क्योंकि एटलीस्ट टू है, एक वाला काम नहीं करेगा इसमें, ये तो ऑलरेडी ये तो वैसे ही काम नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये आएगा इसमें, ये नहीं आएगा, ये आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो हमारे पास इसमें आंसर आएगा ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ये मेरे पास आ गया ई के एलिमेंट्स। तो इसमें है एटलीस्ट टू हेड अपीयर्स। इसमें एक बार चेक कर लो कि दो दो हमारे पास हेड आ रहे हैं, दो भी आ रहे हैं, तीन भी आ रहे हैं, तीन वाला भी चलेगा इसके अंदर। अब सेकंड में कंडीशन, सेकंड इवेंट एफ इवेंट मान रहे हैं कि हमारे पास टेल अपीयर्स ऑन फर्स्ट कॉइन, कि जो भी मेरे पास फर्स्ट कॉइन है उस पर टेल आना चाहिए। इट मीन्स कि मेरे पास अगर तीन कॉइन्स हैं तो फर्स्ट वाले में टेल आना चाहिए, इट मीन्स कि पहले वाला टी फिक्स हो चुका है। तो इसमें से देख लो आप कौन कौन से होंगे, ट्रिपल टी होगा, इसको रख कर देखते हैं, ट्रिपल टी, टी टी एच, टी एच टी, टी एच एच, ये आ सकता है इसके अंदर। तो ये हमारे पास आएगा ट्रिपल टी, टी टी एच, टी एच टी, टी एच एच, ये हो चुकी है एफ इवेंट। अब देखो ई इवेंट भी आ चुकी है, एफ इवेंट भी आ चुकी है। अब हम चेक करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैं क्या चेक कर रहा था कि क्या एक इवेंट का इफेक्ट, अगर एक इवेंट हो चुकी है तो क्या इफेक्ट उसका इफेक्ट दूसरे पर पड़ेगा, हमें ये चेक करना है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखते कैसे हैं, अब सपोज उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मान लो कि सबसे पहले हमारे पास हमें ये बोला गया था कि तीन कॉइंस टॉस करे गए हैं, उसके बाद मैंने डायरेक्ट एफ इवेंट करवा दी फर्स्ट टाइम पर, ठीक है, एफ इवेंट करवाई तो मेरे पास ये वाले एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद बोल रहे हैं कि जब एफ इवेंट हो चुकी है तो मेरा सैंपल स्पेस इससे ये रह चुका है, सैंपल स्पेस अब रिड्यूस होगी, सिर्फ ये रह चुका है क्योंकि हमने सैंपल स्पेस में बोला था कि तीन कॉइंस टॉस हो चुके हैं। जब तीन कॉइंस टॉस हो गए, फिर मैंने बोला कि एक एफ इवेंट करवाओ जिसमें टेल फर्स्ट कॉइन पे आना चाहिए। तो जब टेल फर्स्ट कॉइन पे आ गया, हमने उसका एक अलग से एलिमेंट बना लिए, अब हमारा सेट ये हो चुका है। अब मैंने बोला कि जब टेल फर्स्ट कॉइन पे आ चुका है, उसके बाद मुझे एक इवेंट और करवानी है जिसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट टू हेड आने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इसमें इसका मतलब है कि जब मैंने एफ करवाई इवेंट, उसके बाद अगर मैं ई इवेंट करवाऊँ तो इसमें हमें चेक करना है कि एटलीस्ट टू हेड कहाँ पर आ रहे हैं, एटलीस्ट टू हेड सिर्फ यहीं पर आ रहे हैं और कहीं पर नहीं आ रहे। तो उससे क्या हुआ, अब अगर मैं इवेंट ई करवाता हूँ, मान लो कि एफ के बाद मैंने इवेंट ई करवाई, ये तो पहले की बात है, अगर एफ के बाद करवाई तो मेरे पास सिर्फ इसका एक ही आंसर आएगा, टी एच एच, ठीक है, सिर्फ एक आंसर आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर एक इवेंट हो जाती है उसका इफेक्ट दूसरे पर ऑब्वियसली पड़ेगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसको शो कैसे करेंगे, सपोज मेरे पास दो इवेंट्स हैं पी ए एंड पी बी, और सैंपल स्पेस को डिनोट करेंगे कैपिटल एस से। ये सैंपल स्पेस है, ये दो इवेंट्स हैं पी ए एंड पी बी। अभी हम इसको पी ए नहीं, इसको हम इवेंट वन बोलेंगे, ई वन एंड ई टू, ये दो इवेंट्स हैं। सपोज कि मैंने इससे पहले इवेंट टू करवाई है, जब इवेंट टू करवा दी उसके बाद मैंने इवेंट वन करवानी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे, P आएगा पहले प्रोबेबिलिटी का P, E1 अपॉन E2। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी E1 की निकालनी है गिवन दैट कि E2 हो चुका है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इवेंट E2 पहले हो चुकी है,
उसके बाद हम इवेंट ईवन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जैसे कि आपने पिछले एग्जांपल में सुना होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ईवन गिवन दैट ई टू इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी इवेंट ईवन की गिवन दैट ई टू हो चुका है। इसको अच्छे से याद रखना है, इसके मीनिंग याद रखना कि ई टू हो चुका है, उसके बाद हम ईवन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अब इसको हम शो कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व होता है, इसका आंसर होता है ये वाला, प्रोबेबिलिटी ईवन इंटरसेक्शन ई टू अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, ये इसका है फॉर्मूला। ठीक है, इसी का अगर मुझे कन्वर्स निकालना हो, सपोज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ई टू की गिवन दैट ईवन हो चुका है, तो उसमें भी ऑब्वियसली सेम ही आंसर आएगा, सेम टाइप से ही आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी ई टू इंटरसेक्शन ईवन अपॉन में, बस ये ध्यान रखना नीचे जो डिनोमिनेटर में आएगा वो बाद वाले इवेंट का आएगा, तो यहाँ पर बाद में ईवन है मतलब कि जो सबसे पहले हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी, क्योंकि ये इवेंट तो हो चुकी है ना, इसके बाद हम ई टू भी निकाल देंगे, जब भी इवेंट हो जाती है उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसमें ये है। इसको हम एक तरीके से और ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ईवन इंटरसेक्शन ई टू अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन, क्योंकि ईवन ई टू इंटरसेक्शन ईवन लिखो या फिर ईवन इंटरसेक्शन ई टू लिखो बाद एक ही है। ठीक है, तो ऐसे आएगा, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इसमें। अब इसमें मैं बताता हूँ कि फॉर्मूला ये आया कैसे। सपोज मुझे दिया गया प्रोबेबिलिटी ईवन की निकालो गिवन दैट ई टू हो चुका है, तो यहाँ पर क्या आता है कि इन दोनों की देखो जो ईवन और ई टू में कॉमन एलिमेंट्स हैं हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आती है प्रोबेबिलिटी ईवन इंटरसेक्शन ई टू। प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे है, दोनों इवेंट्स की हम जो एलिमेंट्स होते हैं उसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ईवन इंटरसेक्शन ई टू आएगा अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईवन इंटरसेक्शन ई टू और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस और अपॉन में फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई टू अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। एक्चुअल में ऐसा हो रहा होता है वहाँ पर, तो इससे क्या होता है कि एन एस से एन एस कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास आंसर ये वाला आता है। ठीक है, और यहाँ पर आएगा ईवन इंटरसेक्शन ई टू अपॉन एन एस। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको, इसका इतनी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना कि फॉर्मूला कैसे करना है हमने, और इसी के बेस पर सभी क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि प्रोबेबिलिटी ई टू हो चुका है, उसके बाद हम ईवन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ हमें ये पता होने चाहिए पॉइंट्स। पॉइंट्स फर्स्ट देखो, पी एस अपॉन एफ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू वन, ये कंडीशन हमें दी हुई है कि पी एस अपॉन एफ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू वन। अब ये कैसे सॉल्व किया, देखो हमारे पास अगर सैंपल स्पेस एस है, उसमें कोई इवेंट एफ की गई है। ठीक है, सैंपल स्पेस के अंदर कोई भी इवेंट एफ की गई है, कुछ भी इवेंट हो सकती है, पी एस अपॉन एफ है। अब इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे लिखेंगे, एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इसको ऐसे वन प्रूव करेंगे हम कि वन आंसर आएगा। इसमें देखो, अब सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, सैंपल स्पेस हमारे पास कोई डाई का सैंपल स्पेस है, 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस हो गया डाई का। अब इस डाई में हमने कोई इवेंट एफ मानी हुई है, इवेंट एफ कोई भी मान सकते हैं, मान लो कोई इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इवन नंबर आएगा वो मानते हैं, तो इवन नंबर क्या आ सकता है, 2 4 6। इस सैंपल स्पेस में से इवन नंबर क्या आ सकता है, 2 4 6। अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एस इंटरसेक्शन एफ की। एस इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मैं निकाल के बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी एस इंटरसेक्शन एफ की निकालनी है, तो यहाँ पर क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, ऐसे होता। तो इन दोनों में देखो कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 भी है 4 भी है और 6 भी है, मतलब देखा जाए तो पूरा एफ ही आ गया इसमें, कम्प्लीटली एफ आ चुका है। तो इन दोनों में कॉन्स्टेंट हमारे पास कॉमन क्या है, एफ आ गया इसमें, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा एन एफ। ठीक है, जब हमने चेक किया कि एस इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया कि एफ ही आता है उसके अंदर, अपॉन में आ गया एन एस। अभी तो एफ की प्रोबेबिलिटी बन गई है ना, क्योंकि अगर एफ के एलिमेंट्स ऊपर लिख दें, अपॉन सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स लिख दें, तो ये तो एफ के बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू एफ के बराबर आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं, अब देखो एफ इंटरसेक्शन एफ है, एफ का एफ से इंटरसेक्शन कर दिया, मतलब एक और एफ ले लिया, जब एक और एफ लिया तो इन दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स है, सारी कॉमन एलिमेंट्स है, तो मतलब कि एफ को एफ से इंटरसेक्शन जब करोगे यहाँ पर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एफ इंटरसेक्शन एफ की, तो एलिमेंट्स कौन से आएंगे एफ इंटरसेक्शन एफ के, और जब हमने देखा उसके एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स तो वो एफ वाले ही आ गए सभी, तो यहाँ पर भी एन एफ अपॉन एन एस बन गया, और ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गया। कटिंग करोगे तो आंसर बना जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि प्रोबेबिलिटी एस अपॉन एफ प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन एफ इसका आंसर हमेशा बन ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस एंड एफ इज एन इवेंट ऑफ एस सच दैट प्रोबेबिलिटी एफ नॉट इक्वल टू जीरो। एक चीज और ध्यान रखना, वो लास्ट में मैंने आपको बताई नहीं है कि प्रोबेबिलिटी अगर हम ए इंटरसेक्शन सॉरी ए अपॉन बी की निकाल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो इसका आंसर तो ये आता है गिवन दैट एक कंडीशन इसमें और होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर जीरो आ जाए नीचे वाला तो वो इन्फिनेट आंसर हो जाएगा और हमारा आंसर नहीं आएगा प्रॉपरली। तो कंडीशन यही होती है कि इसमें नीचे वाली प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, कहते हैं मान लो ए और इवेंट ए और बी दो इवेंट्स है, सैंपल स्पेस एस है और एफ इज एन इवेंट ऑफ एस सच दैट, कहते हैं एफ एक ऐसी इवेंट है जिसका आंसर जीरो ना आता हो, मतलब एफ का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद देन प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, मतलब एफ एक और इवेंट है, यहाँ पर एक इवेंट और है एफ और इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं आएगी। हो सकता है इनमें से किसी की याद है, कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन एफ जो है वो जीरो नहीं आना चाहिए, वो जीरो नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या बोला प्रोबेबिलिटी अगर हम ए यूनियन बी करते हैं, आपने एक इलेवंथ में क्वेश्चन किया होगा यूनियंस के कि अगर हम यूनियन निकालते हैं तो क्या होता है, एक आंसर आता है प्रोबेबिलिटी अगर हम ए यूनियन बी की निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ए की आती है प्रोबेबिलिटी बी की आती है माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आती है। तो ये फॉर्मूला लगभग वैसा ही है, उसी फॉर्मूले में हमने क्या किया, अब यहाँ पर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसको अप्लाई कर दिया। तो जहाँ पर हमारे पास ए यूनियन बी था अपॉन में एफ आ गया कि गिवन दैट एफ हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट एफ हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट एफ हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये वही फॉर्मूला है, उसको ऐसे फिट किया है इसके अंदर। अब नेक्स्ट देखो, ये वाले जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूले से निकला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी इवेंट ई ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, वन में से इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी से माइनस हम कर देते हैं तो हमारे पास नॉट ई का आंसर आ जाता है। अब यही चीज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अप्लाई कर दी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई गिवन दैट एफ हो चुका है इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हो चुका है। फर्स्ट एग्जांपल है इफ पी ए इज इक्वल टू 7/13, पी बी इज इक्वल टू 9/13 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4/13, हमें पी ए अपॉन बी निकालना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है वाला, हमें इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, फॉर्मूला को याद होगा, इसमें सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है 4/13। ठीक है, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी हुई है तो 4/13 आ गया, पी बी की वैल्यू दी हुई है 9/13, तो यहाँ पर 13 से 13 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 4/9। तो यही इसका आंसर है 4/9 पी ए अपॉन बी। एग्जाम्पल टू है अ फैमिली हैज़ टू चिल्ड्रन बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। अब देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझो पहले कि फैमिली के पास दो चिल्ड्रन है बट इज द प्रोबेबिलिटी, में प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों चिल्ड्रन बॉयज है। अब गिवन दैट गिवन ढूंढना की कंडीशन कौन सी हो चुकी है, जब भी गिवन दैट आएगा समझ लो गिवन दैट के बाद वो वाली प्रोबेबिलिटी आएगी जो हो चुकी है। गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, गिवन दैट ये दिया है कि एक जाना जो है कम से कम एक जाना बॉय होना चाहिए, कम से कम एक जाना बॉय है। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू, अब देखो दो दो चिल्ड्रन है हमारे पास, दो दो चिल्ड्रन है और सबसे पहले तुम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकता है, या तो दोनों बॉयज होंगे या दोनों ही गर्ल्स होंगे या एक बॉय एक गर्ल या एक गर्ल एक बॉय, इससे आगे तो कोई सैंपल स्पेस नहीं बन सकता, तो ये बना हमारे पास सैंपल स्पेस। उसके बाद हमारे पास दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट ई वन है, इवेंट ई वन में क्या है कि चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो दोनों चिल्ड्रन जो बॉयज होंगे उसमें तो बी बी आंसर आएगा, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद ई टू इवेंट, ई टू इवेंट में क्या है गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, कि कम से कम एक बॉय होना चाहिए, अब कम से कम एक बॉय होना चाहिए यहाँ पर लिख देते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, कम से कम एक होना चाहिए, दो भी चलेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास क्या क्या आंसर आएगा, एक तो बी जी आएगा, जी बी आएगा और डबल बी। नाउ अब हमें ये देखना है कि गिवन दैट के बाद देखो कौन सी इवेंट है, ई टू इवेंट बाद में है, गिवन दैट के बाद में है, तो हमें निकालना क्या, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई वन अपॉन ई टू की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई वन अपॉन ई टू की, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन निकालनी गिवन दैट ई टू हो चुका है, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय ये कंडीशन हो चुकी है, इसके बाद हमें ये निकालनी है कि दोनों चिल्ड्रन बॉयज होंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन given that E2 has
ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, गिवन दैट ई टू ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है. अब इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फॉर्मूला क्या होगा, पी ई वन अपॉन ई टू होगा. और इसमें मुझे क्या क्या चाहिए कि ई वन इंटरसेक्शन ई टू की प्रॉबिलिटी चाहिए और नीचे चाहिए मुझे ई टू की प्रॉबिलिटी. तो मुझे पहले पता चल चुका है मुझे क्या क्या चाहिए. तो अब इसको हम निकालते हैं, फिर इसको हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास. तो सबसे पहले मुझे ये निकालना है कि ई वन इंटरसेक्शन ई टू आता क्या है. अब ई वन इंटरसेक्शन ई टू में कहते हैं कॉमन चीज ढूंढो कौन सी है, एटलीस्ट वन ऑफ दैम इज अ बॉय. इन दोनों में कॉमन क्या है, बी बी कॉमन है, ठीक है. तो यहाँ पर लिख दो कि हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आया, कॉमन एलिमेंट आया बी बी. अब इसी की प्रॉबिलिटी निकालनी है, प्रॉबिलिटी ई वन इंटरसेक्शन ई टू एक ही एलिमेंट है, कितने में से है, फोर में से, तो वन अपॉन फोर आंसर आ गया. अब हमें प्रॉबिलिटी चाहिए ई टू की, प्रॉबिलिटी ऑफ ई टू में क्या है, ई टू में कितने एलिमेंट्स है, तीन है, कितने में से है, चार में से, तो थ्री बाई फोर, ये आ गया थ्री बाई फोर. हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा वन बाई फोर अपॉन थ्री बाई फोर, फोर से फोर कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आ गया वन अपॉन थ्री. तो प्रॉबिलिटी ऑफ ई वन गिवन दैट ई टू हो चुका है, उसकी प्रॉबिलिटी आएगी वन बाई थ्री. नेक्स्ट एग्जाम्पल, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन. एक्सपेरिमेंट है, कॉइन को टॉस किया गया. इफ कॉइन शोज हेड, अगर कॉइन हेड शो करे तो उसको दोबारा से टॉस करना है, टॉस इट अगेन. इफ इट शोज टेल, अगर टेल दिखाए तो हमें एक डाई को थ्रू करना है. फाइंड द कंडीशनल प्रॉबिलिटी ऑफ द इवेंट, हमें कंडीशनल प्रॉबिलिटी निकालनी है दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर दैन फोर, ठीक है. प्रॉबिलिटी निकालनी है कि डाई चार से बड़ा नंबर दिखाए, गिवन दैट, फिर से गिवन दैट आ गया, मतलब कि ये वाली इवेंट जो बाद में आएगी ये हो चुकी है पहले, उसके बाद इसका निकालना है. गिवन दैट देर इज एटलीस्ट वन टेल, ठीक है. तो ये दो तरह की इवेंट्स होगी. इसको मैं अपना ये पहचानना शुरू कर दो कि दो तरह की इवेंट्स कौन सी दी गई है, पहले तो उन्हीं को पहचान लो, ठीक है. तो पहचानना कैसे है कि अब देखो, जो तो जब तुम पहचान लोगे ना कि बाद में इवेंट कौन सी भी, पहली इवेंट कौन सी, तो तुम्हारा आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो वहीं पर सॉल्व हो गया. क्योंकि गिवन दैट देर इज एटलीस्ट वन टेल, गिवन दैट मतलब ये कंडीशन बाद में हो चुकी है, एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है, बस मुझे इन्हीं दोनों के लिए काम करना है, ठीक है. और मुझे एक सैम्पल स्पेस, इसका सैम्पल स्पेस बनाने के लिए हमें एक ट्री अप्रोच लेनी होगी. ट्री अप्रोच कैसे है कि सबसे पहले देखो, एक कॉइन टॉस किया गया, तो कॉइन टॉस जब किया तो हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये दो ही आ सकते हैं ऑप्शन हमारे पास. तो पहले तो इसमें मैंने यहाँ पर पहले एक कॉइन बनाया कि एक कॉइन है, इसमें से एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, ठीक है. तो हम इसको थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं कि हेड या टेल. अब इनकी प्रॉबिलिटी क्या है, वन बाई टू हेड आने की टेल प्रॉबिलिटी है, और टेल आने की प्रॉबिलिटी भी वन बाई टू ही है. अब आगे हमने ये बोला है कि अगर कॉइन हेड शो करता है तो हमें इसको दोबारा से टॉस करना है. नाउ अब अगर ये हेड शो करेगा तो दोबारा से कॉइन टॉस होगा, इसका मतलब इस हेड के साथ दोबारा से भी हेड आ सकता है, ठीक है. ये हेड तो आया हुआ है, इसके साथ दूसरा कॉइन टॉस किया गया उसका भी हेड आ सकता है, या फिर उसके साथ टेल आ सकता है. तो दो ये वाली प्रॉबिलिटीज होगी. अभी जो हाफ प्रॉबिलिटी आ गई और हाफ हो चुकी है, तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई फोर. तो ये दोनों प्रॉबिलिटीज होगी वन बाई फोर, ठीक है. वन बाई टू का भी अगर हम हाफ करेंगे तो वन बाई फोर आ जाएगा. नेक्स्ट आगे लिखा है, इफ इट शोज टेल, अगर वो टेल शो करे तो हमें एक डाई को थ्रू करना है. तो अगर ये टेल शो कर रहा है तो हमें डाई को थ्रू करना है. तो यहाँ से हमारे पास सिक्स ऑप्शंस बनेंगे. वन टू थ्री, इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ. वन टू थ्री फोर फाइव देन सिक्स. अब टेल के साथ या तो वन आ सकता है डाई का, या टेल के साथ डाई का टू आ सकता है, या टेल के साथ थ्री, टेल के साथ फोर, टेल के साथ फाइव, देन टेल के साथ सिक्स. तो ये हमारे पास ट्री बन चुका है. अब हमें इनकी प्रॉबिलिटीज देखनी है. अभी जो वन बाई टू प्रॉबिलिटी है सिक्स पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, वन बाई सिक्स हो गई है. तो जब वन बाई टू को हम वन बाई सिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई ट्वेल्व, ठीक है. वन बाई ट्वेल्व आएगा तो हर जगह पर ये वन बाई ट्वेल्व हम लिख देंगे. ये वन बाई ट्वेल्व हो चुका है, ये भी वन बाई ट्वेल्व, ये भी वन बाई ट्वेल्व, और ये भी वन बाई ट्वेल्व, ठीक है. इजीली समझ आ गए होंगे आपको. तो ये हमारा ट्री डायग्राम बन गया. ट्री डायग्राम के बाद हम सैंपल स्पेस बना रहे हैं. तो सैंपल स्पेस क्या आ गया हमारे पास, सैंपल स्पेस आ चुका है एच एच कॉमा एच टी कॉमा टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव देन टी सिक्स. ये है मेरे पास सैंपल स्पेस. अब इसको अगर हम इवेंट ई वन मान लें और इस वाले इवेंट को ई टू मान लें, तो हम इनकी प्रॉबिलिटीज निकालते हैं. सबसे पहले हम इवेंट ई वन लिखेंगे. इवेंट ई वन क्या है, डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन फोर. डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन फोर, चार से बड़ा नंबर आता है डाई में. अब डाई में चार से बड़ा नंबर कब आएगा, फाइव पर और सिक्स पर. तो इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आएंगे, टी फाइव एंड टी सिक्स, ठीक है. ये बना आ गया हमारे पास इवेंट ई वन का. देन हम इवेंट ई टू देख रहे हैं. इवेंट ई टू क्या है, देयर इज एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल, कम से कम एक टेल है, दो भी हो सकते हैं. तो
एक पेयर कहाँ पर आ रहा है, टी वन पर, एच टी पर, ठीक है, ये छः के छः तो सभी आएंगे और टी एच भी आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, एच टी, फिर टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर, टी फाइव, टी सिक्स, तो ये इवेंट ई टू आ गई है। नाउ इवेंट ई वन इंटरसेक्शन ई टू पहले ही निकाल कर रख लेते हैं क्योंकि हमें पता कि यूज़ होने वाला आगे जाकर, ठीक है। अगर मेरे पास ई टू इंटरसेक्शन ई वन भी आ गया फिर भी उसका ये आंसर होता, तो दोनों में कॉमन कौन सा, देखो टी फाइव टी सिक्स दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर आएगा टी फाइव देन टी सिक्स, ये आ गया मेरे पास। तो देखो इवेंट ई वन मैंने इसको लिया हुआ है, इवेंट ई टू मैंने इसको लिया हुआ है, गिवन दैट के बाद ये है, इसका मतलब मुझे आंसर किसका निकालना है, ई वन अपॉन ई टू का, इसका फॉर्मूला बनता है ई वन इंटरसेक्शन ई टू अपॉन पी ई टू, मतलब मुझे ये दोनों प्रोबेबिलिटीज चाहिए, इसको नंबरिंग दे देंगे वन, ठीक है, नंबरिंग वन आ जाएगी इसकी। अब हमें चाहिए इन दोनों की वैल्यूज, तो प्रोबेबिलिटी पहले तो हमें ई वन इंटरसेक्शन ई टू की निकालनी है, ठीक है, ई वन इंटरसेक्शन ई टू की। अब देखो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या है, टी फाइव और टी सिक्स है, टी फाइव और टी सिक्स इसमें ऐसे आएगा कि प्रोबेबिलिटी टी फाइव की प्लस प्रोबेबिलिटी टी सिक्स की, टी फाइव की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन बाई ट्वेल्व, टी सिक्स की वन बाई ट्वेल्व है, तो दोनों को प्लस कर दो, यहाँ पर आएगा वन बाई सिक्स, ठीक है, वन बाई सिक्स ऐसे आंसर आएगा इसके अंदर। इसको ध्यान रखना कि हमने इसमें पहले से ही हमने सेपरेट सेपरेट प्रोबेबिलिटी सबकी निकाल दी है, तो हमने इसको सिर्फ प्लस करना है यहाँ पर, तो ये है मेरे पास। उसके बाद और मुझे चाहिए पी ई टू, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ई टू में, ये वाले एलिमेंट्स हैं, इन सब की प्रोबेबिलिटीज प्लस होगी, तो प्रोबेबिलिटी इसको मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, जैसे प्रोबेबिलिटी एच टी की है, एच टी की प्रोबेबिलिटी है वन बाई फोर, वन बाई फोर प्लस टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फाइव, टी फोर, टी सिक्स, ये सभी की प्रोबेबिलिटीज हमें पता है वन बाई ट्वेल्व, वन बाई ट्वेल्व है, तो कितने टाइम्स आएंगी, छः बार, तो यहाँ पर आएगा वन बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई ट्वेल्व, देन आ गया लास्ट वन बाई ट्वेल्व, एलसीएम इन सबका आएगा ट्वेल्व, थ्री प्लस वन वन, ठीक है, और इसमें आएगा हमारे पास नाइन बाई ट्वेल्व, थ्री बाई फोर, तो ये आया हमारे पास। नाउ हमें इसका आंसर निकालना है, अब इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे वन में, यहाँ पर लिखेंगे पुट इन वन, जब वन में हम पुट करेंगे पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू का आंसर क्या है हमारे पास, वन बाई सिक्स आया, वन बाई सिक्स अपॉन, और इसका आंसर आया थ्री बाई फोर, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा टू पॉइंट नाइन। नेक्स्ट एग्जांपल है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन स्टॉपिंग एट ए पेट्रोल पंप विल आस्क टू हैव हिज टायर चेक्ड इज 0.12। अब इसमें ये बोला गया है, प्रोबेबिलिटी बताई गई है पर्सन स्टॉपिंग एट ए पेट्रोल पंप, कोई पर्सन पेट्रोल पंप पे स्टॉप कर रहा है और वो टायर चेक के बारे में पूछेगा कि टायर चेक करवाएगा या नहीं करवाएगा, तो टायर चेक कराने की प्रोबेबिलिटी उसकी रहेगी कि वो टायर चेक कराने के लिए पूछेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 0.12। मान लो इवेंट इवन है, पर्सन विल आस्क टू गेट टायर चेक, 0.12 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं पी इवन, तो प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन टायर चेक करवाने के लिए पूछेगा, तो इसके प्रोबेबिलिटी में दी हुई है 0.12। नेक्स्ट ये प्रोबेबिलिटी दैट ही विल आस्क टू हैव हिज ऑयल चेक्ड, अब अगर वो ऑयल चेक कराने के लिए पूछेगा वो इवेंट ई टू होगी, पर्सन विल आस्क टू गेट ऑयल चेक्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी में दी हुई है 0.29। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल आस्क टू हैव बोथ ऑफ देम चेक्ड, अगर वो दोनों ही चेक करवाने के बारे में पूछे, ठीक है, विल आस्क टू हैव बोथ ऑफ देम चेक्ड, दोनों के बारे में पूछेगा, ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या है कि ई वन एंड ई टू, पर्सन विल आस्क टू गेट बोथ चेक्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.07। तो पहले हमने क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में हमने इसको रिड्यूस कर दिया है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि ई वन एंड ई टू क्या होता है, ई वन एंड ई टू अगर आपको याद हो मैंने पहले बताया हुआ है कि वो इंटरसेक्शन होता है, मतलब मुझे इंटरसेक्शन की वैल्यू दी हुई है, और जो और होता है जिसमें और आता है वो होता है यूनियन। अगर मैंने यहाँ पर लिखा ई वन और ई टू, इसका मतलब होता है कि ई वन यूनियन ई टू, ठीक है, ये होता है हमारा और। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये पूछे गए हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हु हैज ऑयल चेक्ड विल आल्सो हैव अ टायर चेक्ड। प्रोबेबिलिटी निकालने की पर्सन जिसने ऑयल चेक करवाया है अब वो टायर भी चेक करवाएगा। अब देखो इसमें हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है क्योंकि हमसे ये डायरेक्ट पूछा गया कि अगर उसने ऑयल चेक करवाया है, ठीक है, कंडीशन क्या है कि ऑयल चेक करवाया मतलब कि वो कंडीशन हो चुकी है, पहले उसने ऑयल चेक करवा लिया, अब प्रोबेबिलिटी निकालने की वो टायर भी चेक करवाएगा, ठीक है। तो एक तरह से हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी कौन सी हो चुकी है, सॉरी इवेंट कौन सी हो चुकी है, ई टू इवेंट हो चुकी है क्योंकि ऑयल चेक उसने करवा लिया, प्रोबेबिलिटी निकालनी है टायर चेक की, तो इसमें आएगा ई वन अपॉन ई टू,
समझ आ रहा होगा आपको। अगर इसका ऑपोजिट बोल दें कि प्रोबेबिलिटी, जैसे क्वेश्चन को ऑपोजिट बोल दें तो प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हु हैज टायर चेक्ड विल हैव ऑयल चेक्ड आल्सो। अब जिसने टायर चेक करवाया वो ऑयल भी चेक करवाएगा, मतलब टायर चेक करवा चुका है, अब ऑयल चेक करवाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसमें क्या आएगा फिर E2 अपॉन E1, क्योंकि इसका मतलब यह कि प्रोबेबिलिटी E1 हो चुकी है कि टायर चेक करवा चुका है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑयल चेक करवाने की। तो इस टाइम जब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो E1 अपॉन E2 है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल से वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। इंटरसेक्शन की वैल्यू मेरे पास है 0.07 और E2 की आंसर रखिए, आंसर हमारे पास है 0.29, इसका आंसर आ जाएगा 7/29, तो इसका ये आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज सेकंड पार्ट सॉरी इसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन स्टॉपिंग एट ए पेट्रोल पंप विल हैव आइदर टायर्स और ऑयल चेक्ड। इसमें हमें ऐसे दिया गया है आइदर टायर और ऑयल चेक्ड, कि या तो वो टायर चेक करवाए या वो ऑयल चेक करवाए, ठीक है। तो आइदर और आ गया इसमें, और हमें पता है कि यूनियन होता है, तो मतलब हमें यूनियन निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसके यूनियन की, और यूनियन का फॉर्मूला भी हमने पीछे किया है इसमें, तो उसका आंसर क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है, ये होता है इसमें। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, बस प्रोबेबिलिटी E1 की क्या है 0.12, E2 की है 0.29, माइनस इंटरसेक्शन की हमारे पास है 0.07, तो इसमें आंसर आएगा 0.07। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.34 इसका आंसर आता है। नाउ थर्ड पार्ट हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन स्टॉपिंग एट ए पेट्रोल पंप विल हैव नाइदर हिज टायर नॉर हिज ऑयल चेक्ड, कि ना तो वो टायर चेक करवाएगा ना ही ऑयल चेक करवाएगा। तो देखा जाए तो इसी क्वेश्चन का ऑपोजिट है, इसी क्वेश्चन का कन्वर्स है, क्योंकि इसमें आइदर और था, उसमें नाइदर नॉर आ रहा है। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है नाइदर टायर और नॉर ऑयल चेक्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इसी का ऑपोजिट है, तो यहाँ पर हमने ये भी निकाला कि या तो ऑयल चेक करवाएगा या टायर चेक करवाएगा। तो हमारे पास अब हमें निकालना है कि हमें ये निकालना है कि E1 यूनियन E2 नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पर हो रही थी, यहाँ पर नहीं हो रही है। जब नहीं होने का हमें शो करना होता है तो हम एक बार लगा देते हैं ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी का ना होना निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वन में से प्रोबेबिलिटी का होना निकाल देंगे। जब प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो जो होने वाली प्रोबेबिलिटी है उसको हम वन में से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाता है 1-, इसका आंसर हमने ये निकाला हुआ है 0.34, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.66। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए होस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस को ना सबसे पहले एक बार आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है, अच्छे से गो थ्रू करके फिर आप दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आना। तो पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि 60% स्टूडेंट्स हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं हॉस्टल में, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। कहते हैं कि 60% स्टूडेंट्स हिंदी न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, 40% इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, 20% दोनों ही रीड करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अब एक स्टूडेंट, उनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया गया, प्रोबेबिलिटी निकालनी है शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, कि हमें ये निकालना है कि नाइदर वो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करता है ना ही वो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करता है। सेकंड है इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करती है प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर भी रीड करेगी, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है भी। इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, उसी का ऑपोजिट क्वेश्चन है कि अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करे सॉरी हिंदी न्यूज़पेपर रीड करती है तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर वो रीड करेगी, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को, हॉस्टल में हमारे पास 60% स्टूडेंट्स जैसे हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हिंदी वाले की, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर्स कितने हैं 60%, यानी कि 60/100, ठीक है, 60/100 आ चुका है। देन 3/5, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर की हमें जो प्रोबेबिलिटी दी गई है 40% है, 40%, इसको लिखेंगे हम 40/100, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 2/5, तो ये हमारे पास आया हिंदी का। नाउ हमें दिया गया कि हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 20% जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं, और आपको पता है कि एंड में हमारे पास क्या आता है इंटरसेक्शन, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रीड करते हैं, 20% 20/100 इसका आंसर आएगा 1/5। तो ये हमने गिवन चीज़ों को लिख लिया, उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, कि ना ही हिंदी न्यूज़पेपर रीड करा जा रहा है ना ही हिंदी न्यूज़पेपर रीड किया जा रहा है। तो अगर मान लो हम आइदर और में लेके चले, ठीक है, आइदर और में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी हिंदी की और इंग्लिश की दोनों ही रीड किए जा रहे हैं, ठीक है, आइदर और में क्या होगा, या तो हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, दोनों में से कोई एक तो रीड किया जा रहा है, तो उसमें हम कैसे निकालेंगे,
probability of h plus probability of english minus probability of h intersection e. अभी हम ये निकाल रहे हैं कि either हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी या इंग्लिश पढ़े जा रहे हैं, ठीक है. ई एच 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5 3 प्लस 2-1 तो ये हमारे पास आएगा 4/5. मतलब दोनों में से कोई एक तो रीड किया जा रहा है तो उसकी प्रॉबिलिटी है 4/5. अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में पूछा क्या गया कि ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश पढ़ा जा रहा है, मतलब कि एच यूनियन ई का नॉट, ठीक है. इसका मतलब क्या था कि या तो हिंदी या तो इंग्लिश पढ़ा जा रहा है, इसमें क्या कि कोई भी नहीं पढ़ा जा रहा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि होने जो प्रॉबिलिटी होना उसको मैंने नॉट कर दिया कि वो नहीं हो रही है, ठीक है. तो इसमें क्या आएगा 1-P एच यूनियन ई, 1 में हम इसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, सॉरी, इसमें शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर व्हेन इट इज गिवन दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर. देखो सेकंड पार्ट हमारे पास है, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर. इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट शी विल रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर. अभी इस बात का ना आपको मीनिंग समझना है. इसमें मीनिंग क्या है, अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करती है तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी रीड करेगी. मतलब ये कंडीशन हो चुकी है, ये कंडीशन हो जानी चाहिए पहले, फिर हम इंग्लिश को चेक करेंगे, ठीक है. बहुत ध्यान समझना इस चीज़ को कि इफ़ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करती है उसके बाद इसकी बात होगी, ठीक है. गिवन दैट वाली चीज़ भी है, तो ये ध्यान रखना हर जगह आपको गिवन दैट नहीं दिया होगा तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉबिलिटी बाद में हो रही है, कौन सी पहले हो रही है. इसमें फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करती है तो प्रॉबिलिटी निकालो कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करेगी, ठीक है. तो उसमें क्या आएगा, प्रॉबिलिटी निकालनी है इंग्लिश न्यूज़पेपर की गिवन दैट की हिंदी पढ़ चुकी है वो, या हिंदी पढ़ती है, ठीक है. तो यह आएगा ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच, ये आएगा. अब देखो यहाँ पर पी इंटरसेक्शन एच लिखो या फिर लिखो एच इंटरसेक्शन ई, बात एक ही है, दोनों में कॉमन एलिमेंट सेम ही होंगे तो प्रोबेबिलिटी भी उसी हिसाब से सेम आएगी. एच इंटरसेक्शन ई का आंसर आता है 1/5 और एच का आता है 3/5. ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 1/3. इसका तो आंसर आया 1/3. नाउ थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट मैं आपको यहीं पर चेंज करके दे देता हूँ क्योंकि लगभग इसकी जो स्टेटमेंट है वो सेम ही है. इफ़ शी रीड्स हिंदी की जगह आएगा इंग्लिश न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर. यहाँ पर आएगा हिंदी न्यूज़पेपर. इसका मीनिंग अब आपको समझ आ रहा होगा कि अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करती है उसके बाद निकालना कि वो हिंदी न्यूज़पेपर भी रीड करेगी, ठीक है. फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रॉबिलिटी हिंदी की, प्रॉबिलिटी हिंदी न्यूज़पेपर रीड करेगी गिवन दैट की ई ऑलरेडी पढ़ चुकी है वो, ठीक है. तो इसमें क्या आएगा, पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई. एच इंटरसेक्शन ई का आंसर है 1/5 और ई का आंसर है हमारे पास 2/5. 5 से 5 कट हो जाएंगे और आंसर आएगा 1/3, ठीक है. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. थैंक यू.